ये वाली जो ट्रिक है काफी लोगों को थोड़ी सी वियर्ड लगेगी, काफी लोग बोलेंगे भाई ये कैसे ट्रिक है, लेकिन यकीन मानो काफी ज्यादा यूजफुल है। अभी देखो आप लोग किसी भी स्मार्टफोन को उठा के देख लो, उसको जो रियर कैमरा होता है वो हमेशा बेटर होता है सेल्फी कैमरे से। पोकस 2 में भी यहाँ पे सेम चीज है, लेकिन पोकस 2 में एक अच्छी बात यह है कि इसका जो रियर कैमरे में हमको कैमरा सर्कल का डिजाइन देखने को मिलता है, जिसको हम लोगों ने अभी तक केवल डिजाइन के पर्पज से यहाँ पे देखा, ये एक मिरर का काम भी करता है। यानी कि अगर आप लोग कभी रियर कैमरा को इनेबल यहाँ पे करते हो, फोटो क्लिक करना चाहते हो, सेल्फी क्लिक करना चाहते हो, तो आप लोग इस मिरर में देख सकते हो कि आपका सेल्फी का जो फ्रेम है वो पूरे प्रॉपर तरीके से कैप्चर हो पा रहा है या फिर नहीं। और ये काफी अच्छी बात है यार, इस चीज को जरूर से ट्राई करके मुझे बताना कि क्या एक्सपीरियंस आप लोगों को मिला। और इस वीडियो में हम लोग पोकस 2 के कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। तो राम राम, मैं नाम आशीष एंड वेलकम टू टेक टॉक चौकी। अच्छा, क्या आप लोगों ने सेकंड स्पेस फीचर के बारे में सुना है? अगर सुना है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं सुना है तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि ये सेकंड स्पेस एक ऐसा फीचर है जो कि संकट की घड़ी में आप लोगों के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सेकंड स्पेस का मतलब यहाँ पर यह है कि आप एक ही स्मार्टफोन को दो स्मार्टफोन बना सकते हो। नहीं नहीं भाई, फिजिकली नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर वाइज। देखो, कन्फ्यूज मत हो, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले सेटिंग में जाना है, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्पेशल फीचर का और इसके अंदर ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड स्पेस का। इसके अंदर जैसे आप लोग जाओगे तो टर्न ऑन सेकंड स्पेस का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। थोड़ी देर आप लोग वेट कीजिए, जब आपका सेकंड स्पेस क्रिएट हो जाएगा तो आप लोगों से पासवर्ड के लिए पूछेगा, यानी कि आपको पासवर्ड लगाना है या फिर विदाउट पासवर्ड आप लोग यूज करना चाहते हो। तो मैं आपसे प्रेफर करूंगा कि पासवर्ड आप लोग लगाना, तो सबसे पहले आपको अपने फोन का पासवर्ड यहाँ पे लगाना है जो कि आप लोगों ने सेट करके रखा है। उसके बाद सेकंड स्पेस में आप लोग जो भी यहां पे पासवर्ड लगाना चाहते हो उसको आप लोग यहां पर डाल दीजिए और अब आपका सेकंड स्पेस यहां पे क्रिएट हो चुका है। जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो कि फोन को जब आपने बॉक्स से बाहर निकाला होगा, बिल्कुल उसी तरह से आपका स्मार्टफोन अब यहां पे हो चुका है, यानी कि बिल्कुल नया हो चुका है। सारी सेटिंग वही है, सारी डिफॉल्ट एप्लीकेशन वही है, ना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको मिलेगी, ना कोई फोटो, ना कोई वीडियो मिलेगी, यहां तक कि आपका जो गूगल अकाउंट है वो भी अब यहां पे लॉग आउट हो चुका है, यानी कि बिल्कुल नया आपका स्मार्टफोन बन चुका है। लेकिन घबराओ मत, आपको जो डेटा है वो डिलीट नहीं हुआ है बल्कि हाइड हो चुका है फर्स्ट स्पेस में। यानी कि जिस तरह से आप लोग अभी तक अपने स्मार्टफोन को यूज कर रहे थे, उसी तरह से अब आप लोग सेकंड स्पेस में भी अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट स्पेस में अगर आप कुछ अलग काम करना है, सेकंड स्पेस में अगर अलग काम करना है किसी और के सामने, तो ये काम आप लोग यहां पर कर सकते हो। व्हाट्सएप यहां पर आप लोग डाल सकते हो, फोटो क्लिक कर सकते हो, गूगल अकाउंट यहां पर दूसरा डाल सकते हो, और फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस का जो डेटा है ना, ये आपस में कभी भी शेयर नहीं होगा। और इस तरह से आप लोग अपना डेटा भी यहां पे हाइड कर सकते हो। कभी संकट की घड़ी में अगर आपको अपना स्मार्टफोन किसी के हाथ में देना पड़े, तो उस टाइम पे आप लोग सेकंड स्पेस का यूज करके उसको अपना स्मार्टफोन दे सकते हो। और सेकंड स्पेस से फर्स्ट स्पेस मारने के लिए एक स्वाइप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप लोग अपने फर्स्ट स्पेस का यहाँ पे पैटर्न डालिए, पासवर्ड डालिए और आप लोग फर्स्ट में पहुंच जाओगे। और फिर फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए दोबारा से आपको सेटिंग के अंदर में जाना है और वहां पर आपको गो टू सेकंड स्पेस का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप लोग सेकंड स्पेस को डिलीट करना चाहते हो और उसके लिए आपको अपने एमआई अकाउंट का पासवर्ड डालना पड़ेगा। और सेकंड स्पेस को डिलीट करने से पहले यह बात ध्यान में रखना कि सेकंड स्पेस जैसे आप डिलीट करोगे तो सेकंड स्पेस का जितना भी डेटा है वो सब भी डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग अपने स्मार्टफोन को थोड़ा सा कूल बनाना चाहते हो, थोड़ा सा स्टाइलिश लुक देना चाहते हो और चाहते हो किस तरह की RGB लाइट आपके फोन के चारों तरफ घूमे, खास करके कैमरा कटआउट में, तो आपको जरूरत पड़ेगी इस एप्लीकेशन की। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कौन सा स्टाइल आप लोग को चाहिए RGB कलर का। नीचे आप लोग आओगे तो बॉर्डर कॉम्प्लिकेशन में आप लोग बहुत सारी चीजें यहाँ पे सेट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे जो लाइटिंग है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, बॉर्डर का साइज क्या होना चाहिए, आप ऊपर और नीचे से यानी कि टॉप और बॉटम से इसको यहाँ पे थोड़ा सा राउंड शेप दे सकते हो, साथ ही कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है इनेबल डिस्प्ले होल का, इसमें आप लोग राउंड पे आ जाइए और अपने डिस्प्ले होल यानी कि जो आपका कैमरा कटआउट है उसके अराउंड इसको थोड़ा सा आप लोग सेट कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लगेगा। इसके बाद आपको कर देना है यहाँ पे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद में आप लोग बैक आओगे, बैक आने के बाद में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इनेबल ओवरले अदर ऐप, तो इसको आप लोग इनेबल कर दीजिए, आपसे परमिशन मांगी जाएगी। और इसके बाद में आप अपने फोन में किसी भी एप्लीकेशन को यूज करो, चाहे आप लोग सिस्टम सेटिंग में जाओ, हर जगह आपको ये RGB लाइट घूमती हुई दिखेगी। और अगर आप लोग यहाँ पे डार्क मोड इनेबल कर देते हो तो ये और भी ज्यादा कूल यहाँ पे देखने को लगती है, बट हाँ ये आपकी बैटरी को और ज्यादा कंज्यूम करेगी, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिए।
तो अगर आप लोग नोटिस कर रहे हो तो मेरे फोन के नीचे एक छोटा सा बंदा खड़ा है, लेकिन काम इसका काफी बड़ा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि काफी सारे ऑप्शन आ चुके हैं। जैसे कि एक टॉगल का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि फोन हमारा काफी बड़ा है, अंगूठा हमको बार बार ऊपर ले जाना पड़ता है, तो यहां पर आप एक क्लिक से अपना पूरे नोटिफिकेशन पैनल को नीचे ला सकते हो। नोटिफिकेशन आई है तो उसको भी आप लोग केवल यहां पर देख सकते हो, साथ ही यहां पर गूगल असिस्टेंट को इनेबल कर सकते हो, लॉक कर सकते हो फोन को, रिसेंट ऐप को चला सकते हो, वॉल्यूम कंट्रोल या फिर स्क्रीन छोड़ ले सकते हो। और अगर आप भी अपने स्मार्टफोन में छोटे भाई साहब को इनेबल करना चाहते हो, लाना चाहते हो, तो आपको जाना पड़ेगा अपने फोन के सेटिंग में, जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग का, और यहां पे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, और एक्सेसिबिलिटी मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको आप लोग इनेबल कर दीजिए और ये छोटे से भाई साहब आपके फोन के अंदर भी आ जाएंगे। वैसे तो पोको X2 में एक IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी नहीं मिलता है। अब हो सकता है पोको ने ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर इसलिए ना दिया हो क्योंकि IPS डिस्प्ले में भी जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर है ये बैटरी कंज्यूम करता है। लेकिन अगर आप लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पोको X2 में चाहते हो तो उसका भी जुगाड़ मौजूद है। वैसे अगर आप लोग प्ले स्टोर में जाओगे यार तो काफी सारी ऐसी एप्लीकेशन है, काफी सारे पेड भी है, लेकिन सबसे अच्छी जो मुझे लगी वो ये वाली है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग देखोगे कि काफी सारे फीचर मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर एक एक करके सबके बारे में बताऊं तो यार वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे अच्छी बात सबसे पहले तो ये है कि कुछ चीजें यहाँ पे पेड हैं, लेकिन अगर आप उसको फ्री में यहाँ पे यूज करना चाहते हो तो एक छोटा सा एड को आपको यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा और वो फीचर आपको फ्री में यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आपकी जो होम स्क्रीन है, यानी कि जब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल करोगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे शॉर्टकट भी मिल जाते हैं, जैसे कि टॉर्च का एनिमेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, साथ ही एक चार्जिंग का काफी कूल एनिमेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। Xiaomi की तरफ से MIUI में एक नया फीचर ऐड किया गया है जिसका नाम है वीडियो टूल बॉक्स। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यार राइट की तरफ स्वाइप करने पे मुझे कुछ यहाँ पे शॉर्टकट मिल जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीन शॉट देखने को मिल जाता है, स्क्रीन कास्ट, वीडियो प्लेबैक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, यानी कि स्क्रीन ऑफ करके आप लोग वीडियो को प्ले कर सकते हो, और कुछ एप्लीकेशन के शॉर्टकट भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन बुरी बात यह है कि ये फीचर जो है अभी पोको X2 में नहीं दिया गया है, बट अच्छी बात यह भी है कि इस फीचर को आप लोग पोको X2 में इजिली इनेबल कर सकते हो। आपको करना बस इतना है कि डिस्क्रिप्शन में आपको Xiaomi का ऑफिशियली जो सिक्योरिटी ऐप है उसका अपडेटेड वर्जन का लिंक दिया गया है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है, फिर उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद आना है फोन की सेटिंग में और यहां पे जाना है स्पेशल फीचर के अंदर में और यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो टूल बॉक्स का। तो अगर ये इनेबल नहीं है तो सबसे पहले इसको इनेबल कर लीजिए, उसके बाद यहां पे ऑप्शन मिलेगा कि आपको लेफ्ट की तरफ रखना है या फिर राइट की तरफ रखना है, इसको आप लोग अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। और यहां पे आपको ऐप का ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि किस किस ऐप के साथ में ये फीचर आप लोग को चाहिए, उस ऐप को आप लोग यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। और जिस भी ऐप को आप लोग यहां पे आप सिलेक्ट करोगे, अगली बार उस ऐप को जब भी आप लोग खोलोगे और स्वाइप करोगे तो ये सारे शॉर्टकट आपको यहां पे दिख जाएंगे। अब यहां पे जो वीडियो प्लेबैक का फीचर है ये फिलहाल के लिए पोको X2 के साथ में काम नहीं कर रहा है और इस फीचर को आप लोग किसी भी Xiaomi स्मार्टफोन में यूज कर सकते हो। और अगर आपके पास में वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है सेटिंग के अंदर में, तो आपको करना क्या है कि एक्सेसिबिलिटी लॉन्चर की एक एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको सर्च करना है वीडियो टूल बॉक्स, तो यहां से आप लोग इन सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। तो बस मेरे भाइयों यही थे कुछ पोको X2 के टिप्स और ट्रिक्स। आई होप कि आपको वीडियो काम की लगी होगी। अगर वीडियो काम की लगी है यार तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और यहां तक तो पहुंच चुके हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो किसका वेट कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लो ताकि आप लोगों को हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।